कलेक्टर जिला प्रशासन के निर्देश पर सोमवार को जवाहर नवोदय विद्यालय ओझर में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर कुशवाहा के मार्गदर्शन में नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, डॉक्टर, अन्य स्वास्थ्य कर्मी विशेष रूप से उपस्थित रहे। टीम ने सिकल सेल की जांच की। इसके बाद विशेषज्ञों ने सभी बच्चों को सिकल सेल के लक्षण, कारण और बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर SD भालसे ने स्वास्थ्य टीम की सराहना की। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम के अंत में जवाहर नवोदय विद्यालय ओझर परिवार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को धन्यवाद दिया गया। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। सर, किस तरह कार्यक्रम रखा गया है? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओझर द्वारा नवोदय विद्यालय ओझर में स्वास्थ्य शिविर रखा गया है, जिसमें दंत रोग, नेत्र रोग और हीमोग्लोबिन की जांच व सिकल सेल की जांच की गई है। जब तक कितने बच्चों का निरीक्षण कर लिया आपने? अभी तक हमारे पास 150 के आसपास बच्चे हो चुके हैं और 550 बच्चों का करना है दिन भर में। अच्छा, इस तरह कार्यक्रम कब कब चलाते रहते हैं आप? हम आवश्यकता अनुसार जब जब आवश्यकता लगती है तब तब करते हैं। और सिकल सेल की जांच अभी हमने 3 स्कूलों में और करी थी, ये चौथा स्कूल है जहां पर हमने सिकल सेल की जांच करी है अभी। अच्छा, कुछ बच्चों में कुछ संक्रमण पाया गया क्या? जी, अभी तक जो हमने टेस्ट लगाया उसमें से 10 बच्चों में संक्रमण मिला है, जिनकी जांच हम आगे पहुंचा रहे हैं, जिसमें अगर कंफर्मेशन आएगा तो फिर उनकी सिकल सेल का ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। भविष्य में इस तरह कार्यक्रम कब कब आयोजित किए जाएंगे? भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हम समय समय पर आयोजित करेंगे, और जब भी कोई स्कूल से हमें रिक्वायरमेंट मिलेगी कि जांच करनी है या शिविर करना है तो हम उसको करेंगे।